पोस्ट देते हैं, लाइक थोड़ा गंदा है। सब लोग इनका डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। मिलके आपसे बहुत अच्छा लगा और आपका कंटेंट मेरे को सही लगा। अब बस वीडियो घर से निकला फटाफट और सज धज के आ गया पटना रेलवे स्टेशन। यहाँ पे काफ़ी क्राउड था, कोई बात नहीं, फिर भी हम अपना हेयर स्टाइल को संभालते हुए बाहर आया। बाहर पे देखा एक सुंदर सा नज़ारा, थोड़ा सा सेल्फी वगैरह लिया, चारों तरफ का नज़ारा लिया देखा और पटना जंक्शन पे बहुत मज़ा आया। उसके बाद में फटाफट मैं टेम्पो में बैठा, ये ताऊ जी टेम्पो चला रहे थे, काफ़ी बेचारा इंसान था, मेरे को वहाँ फटाफट छोड़ दिया। गांधी मैदान गेट नंबर 7 के पास में एक बेचारा सत्तू वाला बेच रहा था, काफ़ी फेमस सत्तू बेचता था वो बंदा, और मैं खाया पिया वहाँ, बहुत मज़ा आया। अरे सत्तू वाला बहुत ही डर रहा था कि पता नहीं किस लिए वीडियो लड़का बना रहा है, लेकिन मैंने उसको समझाया बुझाया और मेरे को अच्छा लगा। उसके बाद मैं गांधी मैदान के अंदर एंट्री किया तो यहाँ पर देखा कितना प्यारा बिहार दिवस मनाया गया था एक दिन पहले, तो उसका कुछ नज़ारा वगैरह दिखाता हूँ मैं, इधर आगे पीछे देख लीजिए, काफ़ी सुंदर सा लग रहा था, काफ़ी मज़ा लग रहा था वहाँ पे देने के बाद में। और यहाँ पे एक मिल गया प्यारा सा लिखा हुआ बिहार दिवस और 2023, काफ़ी मस्त लग रहा था। मैं इसके नज़दीक में गया, काफ़ी सुंदर सा लग रहा था। उसके बाद में यहाँ पे गया, देखा दो चार बंदे जो है यहाँ पे मतलब कि सेल्फी वगैरह ले रहे थे, लेकिन वो 2023 वाले वर्ड के पास। और यहीं पे मिल गया एक मेरे को खूबसूरत सा लड़का, वो मिला था अमला पगला दीवाना, क्या बढ़िया गाना गा रहा था अमला पगला दीवाना, सच में यार अच्छा कॉमेडी मार रहा था। उसके बाद में इधर मिला मेरे को बिहार दिवस 2023 का लिखा हुआ, काफ़ी सुंदर। उसके बाद में फाइनली में पहुंच गया मीटअप के स्थान पर जो था महात्मा गांधी मूर्ति स्टेचू जिसको बोलते हैं, वहाँ पे पहुंच गया। और यहाँ पे मैं इंतज़ार कर रहा था बस लोगों का, क्योंकि मैं समय से पहले पहुंच गया था 1 बजे के आसपास, मीटअप था 3 बजे, आसानी से गया। मैं वहाँ पे इधर उधर देखा, उसके बाद में मैं इधर उधर घूमा, बहुत मज़े लिया। उसके बाद में फाइनली यहाँ पे आ गया 2-3 क्रिएटर, तो मैं फाइनली सबको इस यहाँ पे मिलाता हूँ। हमारा भाई G20, आप इनको अगर नहीं फॉलो किए होंगे आप जाइए, और हमारा डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक रहेगा आईडी का G20, इनका रील बहुत ही नेक्स्ट लेवल होता है, वो कॉन्टेक्ट से रिलेटेड, ठीक है आपको अच्छा और बोलना चाहेंगे बोलिए। मिलके आपसे बहुत अच्छा लगा और आपका कॉन्टेंट मेरे को सही लगा। अब बस वीडियो डालते रहो, इनका भी चैनल है, मेरा चैनल का नाम हो गया डिजी रोटी। मेरा चैनल तो आप जान ही रहे हो, सब डिस्क्रिप्शन में रहता ही है, ठीक है। तो इनके चैनल सब्सक्राइब कीजिए और क्या कीजिए, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें, इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक सब जो होना सब फोड़ दो तोड़ दो, ठीक है। और बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिनको मैं बारीकी से मिलाऊंगा आपको, ठीक है, ताकि आपको भी एक आइडिया मिले, आपको भी एक मोटिवेशन मिले कि हमको कैसे काम करना है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं कंटेंट का आइडिया मिलता है एक फॉलो करने से। आप सोचोगे यार फलाने के फॉलो कर रहे हैं तो हमको तो यार मतलब हमारा फॉलोइंग बढ़ जाएगा, या जितना फॉलोइंग तगड़ा रहेगा ना उतना तुम्हारा कंटेंट जो है ना लोगों से हमें कॉन्टेक्ट वगैरह थोड़ा बना के रखना चाहिए। कोई भी वीडियोस डाल रहे हैं उसमें कमेंट्स वगैरह करो, लोग आपको जानेंगे और उनके फॉलोअर्स आपके वीडियोस देखने आएंगे, तो ऐसे ही कनेक्शंस बना के धीरे धीरे सबको ग्रो करना है। एक कम्युनिटी बना के रखोगे ना यार, कहीं अगर गिरोगे नाली में भी गिरोगे ना, उठाने वाला भी कंटेंट क्रिएटर होता है, एक बार सोच के रखना, हम भी गिरे उठे भी कम्युनिटी हम उठाने वाला कम्युनिटी वाला, इसलिए कम्युनिटी में रहना और एक दूसरे से मिलकर रहना। कभी ये मत सोचना कि फलाने का फॉलो करें तो फॉलोइंग बढ़ जाएगा, ये जो सोच लिया ना बंदा अभी सोचते हैं वो कभी अभी आगे नहीं बढ़ते बंदा। मैंने ये सोचा था मैं बढ़ नहीं रहा, जब मैं फॉलो करना शुरू किया आइडिया आया, फिर मैं आज मैं महीने को 40-50-60 हज़ार भी कमा लेता हूँ, ठीक है। लेकिन ये अगर मैं फॉलो नहीं करता किसी को तो लगता है मैं किसी को फॉलो क्यों करूँ भाई, उसको फॉलोअर बढ़ जाएगा उसका, ये गलत है भाई, सबको बोलता हूँ मैं फॉलो करो लोगों को और सीखो कुछ, हर एक क्रिएटर से कुछ ना कुछ सीखो, सीखोगे तभी कमाओगे। एक कहानी एक कहावत है, लर्निंग इज अर्निंग, जब तक लर्निंग है तभी तक, कब तक अर्निंग, लर्निंग बंद हो गया भैया अर्निंग बंद हो जाएगा, मैं तो लिख के कहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा सीखते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहोगे तभी आपको पैसे मिलेंगे, तभी आप कमा पाओगे, वरना कुछ नहीं, एक कोटी कौड़ी भी नहीं कमा पाओगे। मैं डेली सीखता हूँ, डेली कुछ करता हूँ। और बहुत सारे यहाँ पे ऑडियंस है भैया, बताइए दोस्तों,
और सपोर्ट करेंगे मेरे साथ। अब मेरे जितने सब्सक्राइबर जितने 8 चैनल सबने मेंशन हो रहा है, जितने सारे 8 चैनल है सब लोग, इनका डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा राज भाई का, आप जाइए डेफिनेटली फॉलो कीजिए। इंस्टा भी आईडी रहेगा और सब्सक्राइब तो आप कर देंगे तो हमको बताइए, इनको भी आपको सब्सक्राइब करना है ठीक है, दोनों भाई का हो जाना चाहिए ठीक है। ये भी है कंटेंट क्रिएटर, तो थोड़ा सा आप अपने इंटरव्यू क्या क्या करते हैं, नहीं करते हैं, किस तरह कंटेंट क्रिएटर हैं? गाइस मैं वेडिंग करता हूँ अभी, तो अभी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं YCS फोटोग्राफी, और सारा कुछ हम लोग सिखाते हैं फोटोग्राफी में, आपसे रिलेटेड एडवर्टीजमेंट हो गया, वेडिंग हो गया, तो आप डेफिनेटली फॉलो कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा ठीक है, फॉलो कीजिएगा, आप बहुत कुछ सीखने को मिला, बिना बिना प्रॉपर तरीके से एक पॉडकास्ट लेके आएंगे भाई अपने, प्रॉपर पॉडकास्ट इनका आएगा, आप वहाँ पर देखना आपको सीखने को मिलेगा ठीक है। एक अलग से ब्लॉग बन गया होता उस चीज का, आपका आपने मिस कर दिया, लाइए इधर इधर लाइए, थोड़ा पोस्ट देते हैं, लाइए थोड़ा गंदा है। भाई के चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट फॉरवर्ड कीजिए, नहीं वरना सही रहा तो फॉलो। हम समझते हैं भाई, सो गाइस मीटअप जो है हो चुका है कम्प्लीट, सब लोग अपने अपने घर जाएंगे ठीक है, और मैं भी घर जाऊंगा, और इतने सारे ऑडियंस आए थे ठीक है, मेरा भी ऑडियंस कुछ है, टेक्नो प्रोसेस जो चैनल इसमें 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ था, तो मैं इधर साइड में आकर के एक वीडियो शूट करूँ, वो वहाँ क्राउड हो रहा है ठीक है, तो मतलब कि यार काफ़ी अच्छा मीटअप रहा, स्पेशल फॉर 10K सब्सक्राइबर ठीक है, कंप्लीट हुआ था मेरा इसमें, मतलब कि मेरा रखा था मीटअप ठीक है, और बहुत सारे यूट्यूबर्स जिनको कि मेंशन किया गया था, तो वो लोग भी आए हैं ठीक है, और सबका एक मीटअप यहीं पे हुआ था, सब ने कुछ ना कुछ अचीव किया है ओके, तो इस वीडियो को फिलहाल हम यहीं पे समाप्त करते हैं ठीक है। और दोस्तों ये जो मीटअप रहा काफ़ी सक्सेसफुल मीटअप रहा, काफ़ी अच्छा लगा, बहुत लोग आए, बहुत सारे मतलब कि क्वेश्चन आंसर हुआ, बहुत सारे लोग टिप्स एंड ट्रिक्स पूछा, कुछ बहुत सारे ग्रोथ टिप्स पूछा, बहुत सारे लोग मतलब गूगल यूट्यूब और इंस्टाग्राम बहुत तरह तरह के क्वेश्चन आंसर मतलब Q&A हुआ वहाँ पे सर ठीक है, और होना भी चाहिए, लोग अब मिलते हैं जुलते हैं इसलिए कि कुछ सीखने को मिले, कुछ पूछे जिनको जो आइडिया नहीं है, किसी का स्टार्टअप है, कोई भी यूट्यूब स्टार्ट कर रहा है, कुछ दिन हो गया स्टार्ट किए हुए, किसी का कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि उन्होंने वहाँ पर पूछा, जिसका कि मैं आंसर दिया ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे लोगों का, और वहाँ पे मतलब 5-7 क्रिएटर्स और आए थे जिनका भी मीटअप वहीं पे था ठीक है, तो उनका भी कुछ ऑडियंस था, कुछ ऑडियंस मेरा भी था ठीक है, तो उतना सारा ऑडियंस मिला कर काफ़ी अच्छा एक मतलब माहौल बन गया, काफ़ी अच्छा क्राउड हुआ वहाँ पे, बहुत सारे मिक्स क्रिएटर आए, फोटोग्राफर्स, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स और तमाम तरह के मतलब कंटेंट क्रिएटर लवर्स आए थे ठीक है, बहुत तरह के लोग जो है मतलब कि जिनको कुछ चाहिए, कुछ सीखने के लिए आया था सोशल मीडिया से ठीक है, बहुत तरह के जुड़ने हुआ, बहुत तरह के मतलब बातें हुई वहाँ पे, काफ़ी अच्छा लगा, और हमें बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने इतना सारा प्यार और सपोर्ट दिया हमारे चैनल पर, 10,000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट किए, सेकेंड चैनल था वो जिनका नाम था टेक्नो प्रोसेस, तो टेक्नो प्रोसेस चैनल पर आपने 10,000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट किए, ये हमारा नहीं है, ये आप लोगों का प्यार है, ये है टीपी फैमिली, टेक्नो प्रोसेस फैमिली, 10,000 लोग छोटा मोटा बात नहीं होता, और नेक्स्ट टारगेट है 1,00,000 सब्सक्राइबर्स, तो वो भी आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से मतलब कि हो ही जाएगा, बस आप लोग मतलब ऐसे प्यार दुलार बरसाए हमारे ऊपर, इस तरह सपोर्ट किया हमें, उसी तरह सपोर्ट करते रहिए लाइफ टाइम, तो डेफिनेटली 1,00,000 तो हो ही जाएगा ठीक है, और उसके आगे जो 1,000,000 सब्सक्राइबर है, 10,000,000 वो तो होता ही रहेगा ठीक है, बस प्यार दुलार बढ़ाते रहिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे आपको एक अच्छी सी वीडियो में, अच्छी सी ब्लॉग में, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर, वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और दुनिया में फैला दीजिए।